कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। तो यहाँ पे अभी एक ब्लॉग एंड किया, अभी नहीं सुबह किया था 11:30 के बीच। तो देखो सारा फैला हुआ है और ये लड्डू बनाए थे जो आपने खाए, अभी आपने देखे थे बच्चों, इनको दे देने लिए आए हैं अब। और ब्लॉग स्टार्ट करियो। कितने बज गए हैं? अच्छा देखो 1 बजे वीडियो स्टार्ट करी, फिर हो नहीं पाता है इस वजह से। और ये लड्डू मैंने अभी बनाए, इनको उठा के डब्बे में स्टोर करके रख दे रही हूँ। और देखिए कितने चिकने चिकने घी से ना ऐसे बनते हैं और आपके सॉफ्ट रहते हैं ये इस तरीके से। अभी मैंने वीडियो कमेंट देखे नहीं कैसे हैं, तो इस पर ही गर्म गर्म बना के जल्दी जल्दी रख दिए थे। और देखो कितने चिकने चिकने जैसे दुकानों पर मिलते हैं। ये बाद में करूँगी क्योंकि सुबह सुबह मैं वीडियो बनाने में लग गई थी, तो ये चाय वगैरह पी के नहीं गए थे और 6 बजे ही चले गए थे, तो मेरी वजह से ये ऐसे चले। सुबह सुबह चाय पी जाए तो सही रहता है। तो अब इनके लिए आए, चाय बनाइए, आटा लेके आए, आटा खत्म हो गया था घर गृहस्थी के चक्कर में, उनके प्यासे पेट ऐसी चीज है ना कि जाना पड़ जाता है। मैं बोल रही थी रहने तो पर बोल रहे थे नहीं पीती, बहुत सारा वो हो जाता है। बर्तन धोने हैं, सुबह सुबह जल्दी नहा ली ना मैं, तो बहुत ठंड बैठ गई। ये अभी के बस खाना ना हम लोगों ने खाया है, उसके बर्तन और कुछ नहीं है, काम सारा हो गया है। कपड़े गीले के जो छत पर डाला है, और ये वाली चाय पत्ती खत्म हो गई है। इतनी ठंड में हम लेडीजे तो अंदर रहती हैं, नहा धो के हीटर चला लेती हैं, हाथ सेक लेती हैं, आदमी सब इतनी ठंड में काम करने जाते हैं, पेट की वजह से ही तो जाते हैं, तो क्या करें। ये एक चक्र भी है, इसको हमें पूरा करना ही होता है। हमारे लिए माँ बाप ने किया, हम अपने बच्चों के लिए। तो मैंने बोला वीडियो स्टार्ट कर देते, पेट ना हो तो कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो सुबह मैं अपनी वीडियो में लगी थी, इन्हें पता था, तो इन्होंने बोला रहने दे, बाद में चाय बना लेना, मैं जा रहा हूँ। तो चले गए। इतनी ठंड में सुबह बहुत हवा चली थी, कोहरा नहीं था। तो ये लड्डू मैं डब्बे में थोड़े से इनको कर करके ऐसे चिकने कर करके रखती जा रही। सुबह तो आपको गर्मा गर्म मैंने दिखाया था, बहुत सारी बातें होती जा रही है, कोई नहीं। इनको मैं सोच रही किसमें रखूँ, किसमें रख ले हूँ इस तरीके से। देखो कितने चिकने चिकने बन गए, कभी के मेरे क्या, पर गरम गरम चिकने नहीं हो पाते, गरम गरम ऐसे हो जाते नीचे से। तो इनको रखे, और सुबह से बच्चे बस यही खाए जा रहे हैं, लड्डू ही लड्डू खाए जा रहे हैं। चलो बहुत सारी बात हो गई, ये रख दें, फ्रीज में नहीं रखूंगी ज्यादा ठंडे, फिर फ्रीज में से निकाल के इनको गर्म थोड़ा करेंगे, तो इस वजह से नहीं करना। दूध डाल दो चाय में, और मेरी बातें, और बाप रे बहुत सारी बातें होगी, बातें क्या ऐसी बातें नहीं, सारी बातें काम की थी है। धूप निकल आई है, अच्छी खासी सी धूप निकली है, तो आ जाइए आप लोग भी लड्डू खा लीजिए गर्मा गर्म। इनको देख के आती हूँ मैं, ज्यादा क्या एक एक दो दिन चल जाएंगे फिर बना लेंगे। चलो मैं तो देख के आती हूँ लड्डू, आप लोग भी आ जाइए, और रसोई अभी साफ करेंगे मिलके हम लोग। जो मिली है वो ले आए, देखो जहाँ मिले आए मैथी, मैथी और इतना सारा लहसुन, अचार डाल लिया। उपजने वाला है तो नहीं है, एक वाला नहीं है, धनिया एक करो ले आए, उतना सारा नहीं है, ये धनिया ले आया हूँ एक गड्डी। अबे अबे क्या, अबे एक ले आया हूँ मेथी की गड्डी। तो ये है फूल गोभी, ये पाव मिर्ची, ठीक है, ये है बैगन, ये है कटहल, लौट फिर के वही सब्जी, ये नहीं कुछ अच्छा अच्छा तो बाजार में यही सब्जी होती है, और कौन सी होती है। मशरूम ले जाते 2 किलो ले आए, क्या है लौकिया, अभी क्या बनाऊं बता तो दो। लौकिया ले आया हूँ, अदरक ले आया हूँ 1/2 किलो, ये थैला दे दो दीदी का, टमाटर पलट लो, वहाँ निकाल लो, लहसुन निकाल लो। बनाऊं क्या अभी बता दो, दही में डाल दो, फाड़ेंगे 20 रुपया किलो टमाटर आ रहे थे, तो बोलो 15 रुपया किलो ले जाओ, बढ़िया टमाटर है, मैं ले जाती हूँ जाए। इनको धो के फिर रखूँ, अभी बनाऊँ क्या बता तो दो। सलाद बना के खा लूँगा जो तुम्हें सही लगे।
अगर कोई सब्जी है ना घर में? अभी क्या है, मटर रखी है बस। मेथी आलू बना लो फिर। मेथी साफ करने में टाइम लगेगा, वो मैं करके चलो दे दूं। दे दूं। इसका अचार डाल लेंगे, इसका और लहसुन का। लहसुन का अचार नहीं डालना, लहसुन खाने के लिए लेके आया। अच्छा अचार कब बन गया? लो मेथी साफ करते ले चलो। तो यहाँ पे आ गए हैं, सब्जी काट ली इन्होंने, मेथी को साफ़ कर दिया और पना भी दिया, और मैं इधर आलू छील लिए हैं और सब्जी काट रही हूँ। देखिए दो आलू ख़राब निकल जाएंगे लाल लाल, और ये लाल आलू डाल देंगे ना तो नहीं पकेंगे। बैठे बैठे ये सारे काम कर लेती हूँ, ब्लॉग कब स्टार्ट किया आप लोगों को बता ही दिया है, तो ये सारे काम दोपहर में ज़रूर कर लेती हूँ मैं। सब्जी की तैयारी हो गई, चाय हो गए, और अभी बर्तन सारे ये ज़रूर ही निपटाते, क्योंकि शाम को झाड़ू वाड़ू लग जाता है, फिर पूजा के टाइम पे नहीं होता है, ये दोपहर के ज़रूरी काम होते हैं। अगर दोपहर को झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते तो रात को इतना कचरा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें दोपहर को ही बर्तन चाय के ये सब कर लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी हो गई है तैयार, मेथी को अच्छे से पतला पतला काट लिया, इसको धो के बनने के लिए रख देंगे। अभी सब्जी लाए आप लोगों के सामने ही थी, मैंने बोला वो सब्जी लेके नहीं आई, ये जब भी सब्जी आता है तो ये सब तो होता ही होता है, क्योंकि सब्जी में समझ में नहीं आता, तो इस वजह से और वही खाना मन नहीं करता। पर ये जाते तो इनको, मुझे पता आप लोग बोलेंगे वो क्या लेके आए, पर कि मुझे नहीं अच्छा लगता वही सब्जी खाना। अभी देखो आपने देखे क्या क्या लेके आए, तो वो सारी सब्जियां मैंने धो के रख दी हैं, ये मेथी आलू भी धो के छौंक देती हूँ, और ये सारे मैंने बोले ना बर्तन वगैरह चाय आए कि ये सारे धो के रख दिए, सब्जी वगैरह के कोई नहीं थे, ये सारे ये बनता रहेगा तो सब्जी बनती रही तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। वहाँ पे तो दो मंजिल पे रहते थे, बाहर नहीं निकलना होता था, यहाँ पे बीच बीच में बाहर कोई बुलाता है बाहर बैठ जाते हैं, आँख के पास बैठ जाते हैं, 5 मिनट के लिए जाओ, आधा घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए मेथी को परात में अच्छे से डाल के 2-3 बार धोऊंगी, और फिर ये मेथी हाथों में आती नहीं है तो जो ये चलने छेद वाली डोंगा रखा है ना इसमें करके मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि खेत की है मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो अगर फिर सब्जी में रेत चला जाए दांत किरकिराने लग जाते हैं, तो सब्जी तो बहुत बढ़िया से करके धो तो सही रहता है। और ताज़ा पानी मोटर चला रखी है, रोज़ ही मैं मोटर चला के ही, टंकी अभी भरती नहीं हूँ, मतलब फुल नहीं भरती हूँ, पूरा पानी नहीं रहेगा तो आपको पता है दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैंने उसमें कर लिया तो एक भी पत्ता मेथी का नहीं गिरा। ये बोल रहे थे पराठे बना लो, मैंने बोला नहीं कल तो ये सब बनाया ही था, तो नहीं अभी मेथी की मेथी आलू और रोटी बना लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। देखिए इसमें अच्छे से मेथी धुल गई हमारी, और इसमें मैंने पूड़ियाँ सेकी थी उसी की कढ़ाई है तो इग्नोर करना, और फाइनली मैंने कढ़ाई मंगा ली है, मैं आपको अगर आप चाहो तो मैं दिखाऊंगी। तो इसमें तेल रखा था, ढक के रख दिया था, मैंने बोला इसी में छौंक देते हैं, लहसुन सूखी मिर्ची से मेथी छौंक दिए, मेथी आलू मटर बना रही हूँ मैं, नमक डाल दिया, मिर्ची थोड़ी सी हल्दी, बस सब्जी बनती रहेगी। इसको मैंने छोड़ दिया, गर्म पानी किया, आटा गूंदा गर्म पानी से, बाजरे की रोटी बनाना चाह रही थी पर बाजरे का आटा ख़त्म हो गया था, 1 किलो आटा कितने दिन चलेगा, इसको ढक देते और अभी बन जाएगी। मेथी की सब्जी बना तो खुशबू तो होनी ही होनी है, और लहसुन वगैरह से, लहसुन से सूखी मिर्ची से ही हम तड़का देते हैं आप लोगों को पता है। थोड़ा सा ढकने के बाद फिर मैंने मटर डाली, क्योंकि मटर तो हाल गल जाएगी, और अच्छी लगती है मटर गोभी, मटर मेथी आलू की सब्जी। सब्जी उधर बन रही है, बर्तन अभी धो ही दिए थे आप लोगों के सामने, ये सारा समेट देते हैं, फिर जाके बाहर हाथ सेकने बैठ जाऊंगी, फिर आटा सब कुछ तैयार है ये लोग बोलेंगे तभी फटाफट से मैं रोटियाँ सेकने लग जाऊंगी। बच्चे ट्यूशन से भी आ जाएंगे, जब तक 7-7:30 बजे ट्यूशन से आते हैं, तो ये होता है मेरा दोपहर से वीडियो स्टार्ट करूँ तो दोपहर के ये सारे काम। ये देखिए लड्डू बना के इस वाले में रख दिए हैं, लड्डू क्या 5-6 लड्डू बचे, सारे लड्डू फिनिश, स्लिप को अच्छे से साफ़ कर दिया है, बस ये हो गया। नीचे अभी बर्तन धो रहे हैं या सब्जी धो, नीचे कीचड़ हो जाता है क्योंकि जब इतने सारे बर्तन हो जाते हैं सब्जी तो नीचे ना पानी यानी गिर जाता है, फिर खड़े होते हैं पैर चिपकने लग जाते हैं, तो ऊपर का साफ़ करो तो नीचे का भी साफ़ करना पड़ता है, थोड़ा सा कपड़ा मारते चमक जाती है। देखिए इसमें
ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हम लोगों को। कपड़ा मैंने धो के रख दिया, अगर ये वाले कपड़े नहीं धोंगे तो ये चिपकने हो जाते हैं। गर्म पानी से जब भी टाइम मिले तो गर्म पानी से धो लेते हैं। नीचे का देखिए, मैंने सब्जी उठा के रख दी है फ्रिज में, आटा लेके आटे को अभी टंकी में नहीं डालूंगी, टंकी गंदी हो गई है, टंकी को धो लेती हूँ। जब टंकी मुझे गंदी दिखती है तभी धो लेती हूँ मैं। तो लहसुन उसमें टोकरी में खोल दूंगी और यहाँ पे सारे मैं सब्जियाँ धोई, उसके पत्ते अत्ते गिरने लगे, गिर गए हैं, तो ये कपड़े से पोंछ के पानी जो बर्तनों का है वो भी पोंछ दिया और बाहर झाड़ू लगा देंगे। और बच्चे आ जाएं, बच्चों के लिए फिर दूध गर्म करेंगे, थोड़ी बहुत देर टीवी दे। टाइम तो वही हो जाता है रात के 11-12 बजे, पर खाना मैं अपना सर्दियों में जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में अपना फिर कुछ भी करो, कहीं भी बैठो। गर्मियों में भी ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ खाना, क्योंकि सुबह ये खा के नहीं जाते हैं तो इनको भूख लग जाती है और इनको ये बोलते हैं प्रीति खाना जल्दी ही ठीक है। देखिए रसोई साफ़ हो गई है, बर्तन सेट करने। ये वंशु का हॉलीडे होमवर्क कम्प्लीट हो गया है 14 तारीख को, वो सॉरी बुधवार को, इन्हें अभी जो बुधवार गया है आज, मतलब ये ब्लॉग आज जा रहा है, सॉरी आज बुधवार है, तो आज इन्हें स्कूल जाना था पर स्कूल से मैसेज आया है छुट्टियां और बढ़ा दी हैं, 15 तारीख कर दी, सकरात के बाद जाएंगे, सरकार ने बोला, आप लोगों को पता ही है, सभी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं जहाँ तक पता है। और पक्का पता नहीं, लाइट चली गई वीडियो एडिट करते हुए, यहाँ कबूतरों को दाना डाला है, अभी एक भी कबूतर नहीं दिख रहा होगा, अभी देखिएगा कितने सारे कबूतर आते हैं। तो देखिए कितने सारे कबूतर आ गए और दाना ऐसे ही डाल देते हैं। आप लोग भी कोशिश करा करें, थोड़ा बहुत इन लोगों का ध्यान रखा करें, मुझे पता है आप लोग भी डाल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा रखा, उजाला है तब तक लगा लो, 4-5 बजे तक मेरा झाड़ू आड़ू बर्तन अर्तन सारे हो जाते हैं। फिर सीरियल देखते हैं, कौन सा वाला सीरियल जिसमें ये इमोशनल हो गए थे। चप्पल अप्पल उठा के रख देंगे, दूध वगैरह गर्म करेंगे तो उसी में टाइम कब निकल जाए, कब 7-7:30 बज जाते, फिर शाम का दिया बाती का टाइम हो जाता है। तो मैंने बोला बस 12-1 बजे से वीडियो स्टार्ट करो, तो यही होता है, फिर लेट नहीं पाते हैं। अगर जल्दी कर लो तो लेट जाते दोपहर में, जैसे मैं 4 बजे लेट जाऊँगी ना तो 5-5:30 बजे उठ जाऊँगी, उठते ही फिर काम में लग जाऊँगी। और थोड़ा अगर जल्दी काम हो जाता है तो 1 बजे लेट हो, 2-3 बजे उठ जाओ तो ठीक टाइमिंग रह जाती है। पर मुझे पता नहीं क्या है, सर्दी में सोने की आदत बहुत पड़ गई है, नहीं सोऊं तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। मुझे लेटना तो लेटना मतलब आधा घंटा दो, पर लेटना तो मुझे है नहीं, लेटूंगी मेरे सर में दर्द, आँखों में आँखें ऐसे लगें कितना सारा रेत डाल दिया। तो ये सब ना, फिर मैंने भी थोड़ा टाइम टेबल बना लिया अपने लिए, थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। कोई नहीं, पानी वाले भी आए थे, पानी की 2 बोतल ली थी, एक मयूर जग में लगा दी, एक इसमें, झाड़ू आड़ू लगाया। तब तक देखिए मेरा दूध भी गर्म हो गया है, सब्जी बन गई है, ढक के रख देते हैं। देखो कितनी बढ़िया से सब्जी बनी है, बहुत खुशबू आ रही थी, गरम गरम, अभी सर्दियों में तो गरम गरम रोटी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। कल तो वंशु ने मुझे रोटी गरम गरम करके दी थी, खाने में बड़ा अच्छा लग रहा था। होता है ना कभी कभी, वंशु हो रही थी मम्मी आज मैं दूंगी मैं दूंगी, मैंने बोला ठीक है रोटी गरम कर ला। यहाँ पे बच्चों को दूध देने के लिए जा रही, गुड़ के साथ दूध दे देती हूँ, हेल्दी रहता है, आप लोग भी बोलते हो, तो ये बच्चों का दूध है। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार करना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपना ध्यान रखना, परिवार का भी ध्यान रखना। बाय बाय।